हरदोई में लक्ष्य के तत्वाधान में कैरियर गाइडेंस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अमरपाल सिंह लोधी IRS अधिकारी नई दिल्ली द्वारा दीप प्रज्वलन कर प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल इंटरमीडिएट में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। छात्र छात्राओं को रुचि के अनुसार कैरियर चयन व सटीक तरीके से तैयारी कैसे की जाए उसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कार्यक्रम को सफल आयोजित करने के लिए हरदोई लक्ष्य टीम को बधाई दी गई। लक्ष्य के राष्ट्रीय संयोजक अमरपाल सिंह ने हमारे संवाददाता को जानकारी करने पर बताया कि बच्चे देश का भविष्य हैं। हमारी संस्था लक्ष्य देश के दर्जनों राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। गरीब व आर्थिक रूप से अक्षम छात्र छात्राओं को निशुल्क कोचिंग मुहैया कराई जा रही है, जिससे एक गरीब किसान मजदूरों के बच्चे को भी IAS, IPS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज बनने का सपना साकार हो सकेगा, जिससे देश के विकास के लिए भी वे अपना योगदान दे सकेंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष रुपेश राजपूत, कौशलेंद्र, फूलचंद, शिवम, अनुराग और राहुल राजपूत समेत भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। हरदोई से ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी संदेश। अपना कैरियर भारत सरकार का कैरियर क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कुछ भी रन करती है। आज यहाँ जनपद हरदोई में लक्ष्य की तरफ से प्रतिभा सम्मान समारोह और कैरियर गाइडेंस का कार्यक्रम था, जिसके तहत लगभग 65 बच्चे जो 10th और 12th वाले थे, 70% से ज़्यादा मार्क्स थे, उनको सम्मानित किया गया। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पुलिस में भर्ती हुए या PhD में जो उनका इंट्रेंस क्लियर हुआ है या दूसरे खेल में या कहीं और उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उन बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम था। उसके अलावा एक बड़ा व्यापक कार्यक्रम था कि समाज में एक जागरूकता लाने के लिए और जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को अलग स्कूल में कैरियर काउंसलिंग करने के लिए कार्यक्रम था। आपकी संस्था कितने राज्यों में काम कर रही है? हम लोगों का जो लक्ष्य मिशन है ये लगभग भारत में 12 से 13 स्टेट में काम करता है और ये लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉई एसोसिएशन के नाम से है और इसको हम लोग शॉर्ट में लक्ष्य बोलते हैं। इसका काम है समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना, ताकि लोग अपना करियर और अपने फील्ड में जाकर के अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। चैनल के माध्यम से आप छात्र छात्राओं में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा छात्रों को कि आप मेहनत करिए, सही समय पर अपने करियर का चुनाव करिए, क्या आपको बनना है वो अपने लक्ष्य तय करिए और उस लक्ष्य को तय करने के बाद जो आप परिश्रम कर सकते हैं जितना मैक्सिमम वो आप करिए, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी।